देखिए रोल किसी का है ये बात वाजिब है, जो बच्चों की मांग है वो बिल्कुल सही है कि सेशन नियमित होना चाहिए, परीक्षाएं समय से होनी चाहिए और हम समझते हैं कि इसके सबसे ज्यादा गवाह आप लोग हैं। इस सरकार की तरफ से हम लोग पिछले दिनों लगातार इस प्रयास में लगे हुए रहे। देखिए रोल किसी का है ये बात वाजिब है, जो बच्चों की मांग है वो बिल्कुल सही है कि सेशन नियमित होना चाहिए, परीक्षाएं समय से होनी चाहिए और हम समझते हैं कि इसके सबसे ज्यादा गवाह आप लोग हैं। इस सरकार की तरफ से हम लोग पिछले दिनों लगातार इस प्रयास में लगे हुए रहे। हमने महामहिम के साथ पिछले साल अगस्त में बैठक की थी सभी कुलपतियों की, उसमें भी हमने सरकार की तरफ से कहा था कि तीनों चीज हमारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में कक्षाएं और परीक्षाएं ये दोनों नियमित हों, तभी हमारे विद्यार्थियों को सभी सही ढंग से शिक्षा भी मिल पाएगी और परीक्षाएं समय पर नहीं होने से हमारे छात्र बुरी तरह प्रभावित होंगे। ये हम लोग किसी हालत में ये स्थिति सरकार को स्वीकार्य नहीं होती। हम लोगों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से कहा है और अभी हाल ही में हमको लगता है मुश्किल से 15 दिन पहले हमने सरकार के स्तर पर उस बार तो महामहिम के साथ हम लोगों ने बैठक की और अभी 15 दिन पहले हमने कुलपतियों कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रकों के साथ सभी विश्वविद्यालय अधिकारियों की बैठक की थी और उसमें हम लोगों ने सीधा सरकार की मंशा उनसे सीधे बताया है कि हम लोग हर हाल में कक्षाएं और परीक्षाएं नियमित कराना चाह रहे हैं और उन सब ने एक लिखित रूप में एक टाइमलाइन दिया है और सब लोगों ने ये आश्वस्त किया है सरकार को कि आने वाले वर्ष हम लोग परीक्षाओं को सत्र के हिसाब से नियमित कर दें। ये बिहार में एग्जाम समय से हुआ ही नहीं है, कहां है? ये सब दिन और हर समय एक जैसा बात नहीं रहती, कभी कभी किसी कारण से अब जैसे अभी अब 2 साल से जो कोरोना चल रहा है, अब आप समझिए कि इसमें कोई सेशन 1-1.5 वर्ष लेट इसको आप कैसे अस्वाभाविक कर सकते। लेकिन हमने तो दोनों बात बता दी ना कि छात्रों में अगर असंतोष है तो सरकार की पूरी हमदर्दी है उनसे और हम छात्रों को भी कहना चाहते हैं, उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि आपके मामले में सरकार सक्रिय है और हम लोगों ने पूरी गंभीरता से सभी विश्वविद्यालय प्रशासन से इस बात को टेकअप किया है और उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम लोग अगले आने वाले समय में इसको नियमित करेंगे और हम लोगों ने एक लिखित टाइमलाइन ले लिया है जिसका हम लोग लगातार अनुश्रवण करेंगे। हम लोग लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे, अनुश्रवण भी करेंगे और अगर छात्र ये बात कह रहे हैं तो छात्रों की मांग जायज, आखिर परीक्षाएं नियमित नहीं होंगी तो छात्र का तो समय बेकार होता है और हम लोग सरकार की तरफ से हमने उनको ये भी कहा है कि आपको इसमें सरकार का जो सहयोग चाहिए सरकार करेगी, लेकिन परीक्षाएं समय से होनी चाहिए और उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि अगले 6 महीना से साल भर में सभी विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं नियमित हो जाएंगी।